अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ वेस्टइंडीज का खेमा। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसा कहर बरपाया जिसके सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी चने चबाने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए भारत को जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया जहाँ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोमन पॉवेल की वेस्टइंडीज की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। आपको बता दें, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग ने की थी। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में बड़ा झटका देते हुए ब्रेंडन किंग को 1 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉनसन चार्ल्स आते हैं। लेकिन जॉनसन चार्ल्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो दूसरे ही ओवर में शमी के द्वारा 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आए थे और ऐसे में निकोलस पूरन और काइल मेयर्स ने मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले की समाप्ति तक 64 रन बना दिए थे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी की और इस दौरान मेयर ने अपना अर्धशतक 8 ओवर में 25 गेंदों पर पूरा कर लिया था, तो वहीं निकोलस पूरन ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक 28 गेंदों पर पूरा किया। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को 52 रनों के स्कोर पर 12वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान रोमन पॉवेल मैदान पर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे काइल मेयर्स को 64 रनों के स्कोर पर 13वें ओवर में उमरान मलिक ने LBW आउट कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शिमरॉन हेटमायर मैदान पर आते हैं और ऐसे में शिमरॉन और कप्तान रोमन पॉवेल ने मिलकर टीम को संभाला और अंत तक नाबाद पारी खेल कर सभी को काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया। इस दौरान पॉवेल ने अपना अर्धशतक भी अंतिम ओवर में पूरा किया था, जहां पर उन्होंने 32 गेंदों पर 57 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो दूसरी तरफ से शिमरॉन हेटमायर ने 37 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते 203 रन 4 विकेट के नुकसान पर बने थे और इस दौरान उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, शमी और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की थी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। इस दौरान रोहित शर्मा ने खराब शॉट खेलकर 3रे ओवर में ही अपना विकेट 7 रनों के स्कोर पर गेंदबाज रोस्टन चेज को दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर आए थे। तो वहीं 4थे ओवर में शुभमन गिल ने भी 11 रनों के स्कोर पर अपना विकेट LBW आउट होकर कीमो पॉल को दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए थे और इस दौरान सूर्या ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला और आगे ले जाने का काम किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले की समाप्ति तक 50 रन बटोर लिए थे। हालांकि दोनों बल्लेबाज बड़े आसानी से टीम को संभाल रहे थे, जहां पर विराट कोहली ने अपना अर्धशतक 12वें ओवर में 34 गेंदों पर पूरा कर लिया था, तो वहीं सूर्या ने अपना अर्धशतक 13वें ओवर में 29 गेंदों पर ही पूरा किया। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया तो साझेदारी को अकील हुसैन ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को 54 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम कर रहे विराट कोहली शतक की तरफ बढ़ने लगे थे और इस दौरान विराट कोहली ने बड़े आसानी से गेंदबाज मैकॉय के सामने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए और 92 रनों का आंकड़ा पार कर दिया था। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में विराट कोहली ने बड़ी गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गेंदबाज मैकॉय को 92 रनों के स्कोर पर दे दिया था। हालांकि अब मुकाबला रोमांचक हो गया क्योंकि जीत के लिए 3 ओवर में 41 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान हार्दिक पांड्या ने टीम को संभाल लिया था और बल्लेबाजी करने आए संजू के साथ टीम को आगे ले जाने का काम किया। हालांकि अब 2 ओवर के अंदर संजू ने 2 छक्के और 2 चौके लगा
लगा दिए थे और तभी अपना विकेट 19वें ओवर में गेंदबाज कीमो पॉल को दे दिया था, जहां पर संजू 23 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा मैदान पर आए थे। हालांकि अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 17 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर जडेजा ने 6 लगा दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर गेंदबाज मैकॉय ने जडेजा को परेशान कर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आते हैं। इसी बीच 3 रन लेने के चक्कर में अक्षर पटेल रन आउट हो गए और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आ गए और अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और इस दौरान हार्दिक पांड्या ने लंबी गेंद का फायदा उठाकर मिड विकेट के ऊपर लंबा छक्का लगा दिया था। इतना ही नहीं, जब अंतिम गेंद पर छक्के की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ छक्का लगाया और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसको देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है। और ऐसे में इस अभ्यास मुकाबले में मिली रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद T20 सीरीज में भी कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।